नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं पाठ संख्या 7 पर, और पाठ संख्या 7 का नाम है शिक्षक के नाम पत्र। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इससे पहले बच्चों, यहाँ पर दी हुई है आपको चित्र पर आधारित गतिविधि। औपचारिक पत्र का प्रारूप है यहाँ, और यहाँ है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो औपचारिक पत्र को किस तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य। अच्छा, इससे पहले बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि औपचारिक पत्र हम लिखते हैं जिनसे भी हमारे संबंध औपचारिक होते हैं, जैसे कि किसी संपादक को लिखा आपने, या अपने प्रधानाचार्य जी को लिखा, या फिर किसी अधिकारी को आप जो पत्र लिखते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र होते हैं जो आप अपने मित्रों को, अपने माता पिता को, अपने संबंधियों को या अपने प्रियजन को लिखते हैं। तो इसमें आप अनौपचारिक बातें लिख सकते हो। सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, विषय मतलब पत्र लिखने का क्या कारण है, महोदय जी, इस तरह से शुरुआत करेंगे आप। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे, उसके बाद अंत में आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या, क ख ग, यहाँ पर आपका नाम आएगा, कक्षा और दिनांक। अब है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रेषक का पता, उसके बाद यहाँ पता आ जाएगा, दिनांक, संबोधन के आप क्या कहते हैं, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, जो भी आप संबोधन देना चाहें, अभिवादन, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, विषय वस्तु जिसके बारे में पत्र लिखना है, तीसरा अनुच्छेद, और फिर समाप्ति। प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध बताएंगे, और फिर प्रेषक का नाम लिखेंगे जिसने भी वो पत्र लिखा है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को समझकर उनके विषय में बताओ, ये है आपकी गतिविधि। और अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। यह पत्र एक ऐतिहासिक पत्र है। इस पत्र को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। इससे पता चलता है कि वे अपने बेटे में सद्गुणों के विकास को लेकर कितने सजग थे। आइए शुरू करते हैं। प्रिय शिक्षक, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दे जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। एक पिता अपने पुत्र के शिक्षक को ये पत्र लिख रहा है कि कैसी शिक्षा उसे वो दे, उसके बारे में कुछ प्रकाश डाला जा रहा है इस पत्र में। मैं जानता हूँ कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सभी सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य ही सिखाएं कि यदि दुनिया में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं। यदि स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले समर्पित नेता भी होते हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर शत्रु होते हैं तो मित्र भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे सीखेगा, वो एकदम से नहीं सीखेगा, परंतु हो सके तो उसे यह ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया गया एक पैसा भी बिना कमाए मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसे हारना सिखाएं और जीत की खुशियां मनाना सिखाएं। हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। इसमें पिता ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को यह ज़रूर सिखाएं कि मुसीबतों से कैसे लड़ा जाए, और अगर मुसीबत आ जाए तो उसे कैसे हंसकर टाला जाए। उसे जितनी जल्दी हो सके जानने दें कि दूसरों को आतंकित करने वाला, मतलब डराने वाला, स्वयं कमज़ोर होता है। अगर संभव हो तो उसे पुस्तकों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं, साथ साथ उसके
प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षियों का चहचहाना, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूल की हंसी को भी निहारने का अवसर दें। विद्यालय में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत समझें, परंतु उसे अपने विचारों में पक्का विश्वास रहे और वह उन पर अडिग रहे। अपने विचारों से वो हिले नहीं, जो उसके विचार हो उन पर अडिग रहे, मतलब डटा रहे। उसे यह भी सिखाएं कि वह अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे और बुरे लोगों को उनकी बुराई के लिए करारा सबक सिखाए। वह भीड़ का हिस्सा ना बने, उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह सबकी बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी मुस्कुराने की सीख दें। उसे समझाएं कि अगर आंसू बहाने पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। वह अपने बाहुबल तथा बुद्धि का अधिकतम मूल्य पहचाने, परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे सहानुभूति से समझाएं, परंतु अधिक लाड प्यार से उसे बिगाड़े नहीं। आप हमेशा उसे ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। वैसे मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और अच्छा लड़का है। आपका अब्राहम लिंकन। तो बच्चों, कैसा लगा पत्र? इस पत्र में वे सभी आशाएं हैं, वे सभी कल्पनाएं हैं, जैसा कि एक पिता अपने पुत्र को बनाना चाहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। कठिन शब्द दिए हुए हैं हमें यहाँ, जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। शिक्षक, न्यायप्रिय, अवश्य, स्वार्थी, राजनीतिज्ञ, समर्पित, शत्रु, मूल्यवान, ईर्ष्या, द्वेष, विश्वास, अडिग, व्यवहार, धैर्यपूर्वक, कसौटी, चाटुकार, सहानुभूति, श्रद्धा। आगे चलते हैं। शब्दार्थ है यहाँ जिसे आप याद करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। अपेक्षा का अर्थ है उम्मीद, अडिग स्थिर, स्वार्थी मतलबी, कसौटी परखने का मापदंड, मूल्यवान कीमती, चाटुकार झूठी प्रशंसा करने वाला, द्वेष घृणा, श्रद्धा आदर, मनमोहक मन को मोहने वाली, निहारना देखना। और अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। बताओ क्या पढ़ा? अब्राहम लिंकन ने पत्र किसे लिखा? अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा। अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को किससे दूर रखने का परामर्श दिया है? अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को ईर्ष्या और द्वेष से दूर रखने का परामर्श दिया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार मुसीबतों को किस प्रकार टालना सीखना चाहिए? अब्राहम लिंकन के अनुसार मुसीबतों को हंसकर टालना सीखना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने किसकी दुनिया को मनमोहक कहा है? अब्राहम लिंकन ने पुस्तकों की दुनिया को मनमोहक कहा है। प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। अब्राहम लिंकन किस पर पक्का विश्वास रखने के पक्ष में थे? अपने विचारों पर। अब्राहम लिंकन के अनुसार किससे सावधान रहना चाहिए? चाटुकारों से। अब्राहम लिंकन के अनुसार दुनिया में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे भी होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों को भरो। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते,
उसे पुस्तकों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और अच्छा लड़का है। आगे चलते हैं, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ हमें गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है। उसे यह अवश्य ही सिखाएं कि यदि दुनिया में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं। यदि स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले समर्पित नेता भी होते हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर शत्रु होते हैं तो मित्र भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बिना कमाए मिले पैसों से अधिक मूल्यवान होता है। उसे हारना सिखाएं और जीत की खुशियां मनाना सिखाएं। हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। उसे जितनी जल्दी हो सके जानने दें कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है। अब यहाँ हमें ये प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। क्या दुनिया में सभी व्यक्ति समान होते हैं? दुनिया में सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। अगर दुनिया में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे भी होते हैं। अगर दुनिया में स्वार्थी लोग होते हैं तो न्यायप्रिय भी होते हैं। अब्राहम लिंकन किसे मूल्यवान मानते हैं? अब्राहम लिंकन मेहनत से कमाए हुए पैसे को मूल्यवान मानते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार ऐसा कौन सा कार्य है जिसे सीखने में उनके बेटे को समय लगेगा? उनके बेटे को यह सीखने में समय लगेगा कि इस दुनिया में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। अगर उसके शत्रु हैं तो कुछ उसके मित्र भी होंगे। अगर कुछ लोग बुरे हैं इस दुनिया में तो अच्छे इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले समर्पित नेता भी होते हैं। मूल्यवान शब्द का विलोम रूप लिखें। मूल्यवान शब्द का विलोम रूप है मूल्यहीन, जिसका मूल्य ना हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब्राहम लिंकन के अनुसार उनका बेटा कभी ना कभी क्या सीख लेगा? अब्राहम लिंकन के अनुसार उनका बेटा कभी ना कभी यह सीख ही लेगा कि सभी प्राणी न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सब सच बोलते हैं। भीड़ से अलग दिखने के लिए क्या आवश्यक है? भीड़ से अलग दिखने के लिए यह आवश्यक है कि भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत होनी चाहिए। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के लिए किस प्रकार की शिक्षा की अपेक्षा करते हैं? अब्राहम लिंकन अपने बेटे के लिए ऐसी शिक्षा की अपेक्षा करते हैं जिसे प्राप्त करके वह सच्चा इंसान बन सके। अब्राहम लिंकन किस प्रकार से धन अर्जित करने के पक्ष में थे? अब्राहम लिंकन मेहनत के द्वारा धन अर्जित करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि मेहनत से कमाया हुआ एक भी पैसा बिना मेहनत के कमाए हुए अनेक पैसों से अधिक मूल्यवान होता है। तो बच्चों, आपको यह पत्र कैसा लगा? था ना जीवन की सच्ची प्रेरणा, और जैसा किसी एक इंसान को बनना चाहिए वैसी ही भावना से भरा हुआ पत्र। तो आशा करती हूँ कि आप भी इन सारे मूल्यों को जो अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनके बेटे में आए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।